back to your school. अरे स्कूल से याद आया, अभी जो आ रहा है उनकी स्कूल के साथ खासी ऑर्डिनेंस चाहिए. खत्म ही नहीं हो रही. So who's going to come next? Aman ji, please come on stage. Thank you, compeers. Today's my topic is taxation of private trust. First of all, I will define what is a trust. If we go through dictionary meaning, trust means an arrangement. Trust definition is not given in Income Tax Act 1961. So, in order to have reference, we would like to go to the Indian Charitable Trust 1882. Indian Charitable Trust says, trust is an obligation attached or annexed to the ownership of property arising out of the confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of other or of other and owner. In simple words, if we say that suppose Mr. Prakash Nayak creates a trust and Mr. Modi is a trustee and he has two sons, Master PNB Finance and Master PNB International. Mr. Prakash Nayak Bakshi has he creates a trust and Mr. Modi ये जो है ये इसके ट्रस्टी है. मतलब ये जो दोनों मास्टर पीएनबी फाइनेंस है, मास्टर पीएनबी इंटरनेशनल है, ये इसने इसको मतलब ट्रस्ट इन्होंने क्रिएट किया है. जो इनकी जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने एक ट्रस्ट में दे दी और वो उसके ट्रस्टी बन गए मिस्टर मोदी. ये जो ट्रस्टी बने हैं ये इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जब ये लोग 21 की एज कर ले अटेंड तब इनकी प्रॉपर्टी इनको दे दी जाए. इसमें जो मिस्टर मोदी है इन पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है. जो ट्रस्ट की डेफिनेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि जो मिस्टर प्रकाशन बख्शी है वो उन्होंने इन पे कॉन्फिडेंस मतलब जो मिस्टर प्रकाशन बख्शी है वो उन्होंने इन पे कॉन्फिडेंस दिखाया है और मिस्टर मोदी ने वो एक्सेप्ट किया है. तो इसलिए ये ट्रस्ट कहलाएगा. अब हमें डिफाइन करना है कि प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है. पब्लिक ट्रस्ट वो होता है जहाँ पे जो बेनिफिशरीज है वो अनसर्टेन हो, मतलब हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते एक बार में. और जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो जहाँ पे हम लोग बेनिफिशियरी को डिफाइन कर सके. जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मास्टर पीएनबी फाइनेंस और मास्टर पीएनबी इंटरनेशनल ये दोनों यहाँ पे बेनिफिशियरी, तो ये सर्टेन है, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट हो जाएगा. हम अगर पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो सिर्फ ये दोनों नहीं होते और सिर्फ ये कह देते कि जो मास्टर प्रकाश नायक की है अब उन्होंने मिस्टर मोदी को लोन मतलब वो प्रॉपर्टी दी है और ये कह के दे दी कि मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी को किसी को भी दान दे दिया जाए, कुछ और काम ले लिया जाए, कि बस इन दोनों को दान दिया जाए. तो ये पब्लिक ट्रस्ट कहलाता. अब अगर मिस्टर मोदी ये सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग जाता तो क्या होता. तो यहाँ प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट वो होते हैं जहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं. मतलब हमें जब हम ट्रस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि उससे वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है तो उसका बेनिफिशियरी कौन हुआ. और प्राइवेट ट्रस्ट वो होता है जैसे हम ट्रस्ट क्रिएट करते ना तो हम ये स्पेसिफिकली डिफाइन कर देते हैं कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन लोग होंगे. जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था कि ये दोनों इनके बेनिफिशियरी होंगे तो वो प्राइवेट ट्रस्ट कहलाएगा. अब ये जो मिस्टर मोदी है ये ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी का शेयर भी वो बाद में आएगा, वो बता देंगे. प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों हो गए. यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि प्राइवेट और पब्लिक का मतलब कुछ समय आया नहीं आया. अब मिस्टर प्रकाश ने यहाँ पे मिस्टर मोदी पे एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि ये मेरी प्रॉपर्टी की वो ट्रस्टी है, मतलब ये मेरी ट्रस्ट की ट्रस्टी है. अब अगर ये कुछ भी मतलब ये फुलफिल नहीं करते, कुछ भी कॉन्फिडेंस या फिर कुछ भी फुलफिल नहीं करते हैं तो मिस्टर मोदी पे सेक्शन 400 एंड
सेक्शन 406 वो इंडियन पेनल कोड के अंडर में कार्रवाई की जाएगी और उसमें ये है कि मैक्सिमम थ्री इयर्स का वो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एक चीज हो सकती है। और ये जो भी ऑफेंस होगा जो ये करेंगे, मान लीजिए कोई भी ये कुछ भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ये नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस होगा। अब अगर हम ट्रस्ट को टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से देखें तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक स्पेसिफिक और एक डिस्क्रिशनरी। यहाँ पे स्पेसिफिक वो होगा, मतलब मैं सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, अब पब्लिक ट्रस्ट कहीं नहीं होगा। ये जो ट्रस्ट है ये प्राइवेट ट्रस्ट है, अब इसमें दो है, एक स्पेसिफिक और एक डिस्क्रिशनरी। वो स्पेसिफिक वो होता है जहाँ पे हम लोग जो जैसे अब अभी आपने पूछा था कि जो इनका शेयर है वो डिफर करता है ना, तो वो स्पेसिफिक में आ जाएगा। अब मान लो वो होगा डिस्क्रिशनरी जब ये कहते हैं कि भाई ये तू प्रॉपर्टी ले ले और मेरे दोनों को दे और मेरे दोनों बेटों को दे देना, तो यहाँ पे शेयर डिफाइन नहीं किया गया। तो ये तो शेयर डिफाइन नहीं किया गया तो अब यहाँ पे मिस्टर मोदी की मर्जी है कि वो किसको कितना शेयर देंगे, तो वो डिस्क्रिशनरी बोझ में आ जाएगा। अब ये जो डिस्क्रिशनरी में आ गया तो अब जो इनका टैक्सेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो स्पेसिफिक होगा ना, तो जैसे ये दोनों है तो इन दोनों के जैसे मान लो ₹4,10,000 की पूरी ट्रस्ट को इनकम होती है और यहाँ पे ये डिफाइंड है कि 50% जिनको मिलेगा 50% जिनको मिलेगा। तो अब ये ऐसे होगा कि 50-50% दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे 4,10,000 हमारी वो है टोटल टैक्सेबल इनकम, तो 4,10,000 हो तो फिर अब सॉरी 4,10,000 की जगह 6,10,000 लेते हैं तो 3,05,000 और 3.05, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली डिपेंड है 50% और 50% दोनों को मिल जाएगा। तो प्राइवेट ट्रस्ट की केस में ना, हां सर प्राइवेट ट्रस्ट की केस में प्राइवेट और स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट, तो यहाँ पे 3.05 और 3.05 और दोनों के हाथ में ऐसे टैक्सेबल होगा कि दोनों टैक्स पे करेंगे, लेकिन एक्चुअली टैक्स दोनों भी नहीं करेंगे, बस टैक्सेबल ऐसे होगा कि दोनों टैक्स पे करेंगे, तो जो एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी आएगी वो ऐसे आएगी। अब ये दोनों पे जो टैक्स आया है ये सेपरेट एसेस हो गया, लेकिन जो टैक्स जो पे करने की लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी होगी मिस्टर मोदी की। इट विल बी कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव असेसी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 161 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इन केस अगर यहाँ पे सिर्फ ये जो वाली इनकम आ रही है यहाँ पे बिजनेस इनकम इंक्लूड नहीं है, अगर यहाँ पे बिजनेस इनकम हो जाए इंक्लूड तो फिर जो टैक्स की जो लायबिलिटी आएगी वो आएगी MMR मतलब मैक्सिमम मार्केट रेट पे, जो असेसमेंट ईयर 1890 के लिए है 35.535 समथिंग। तो ये जो पूरी हुई तो होती 6.10 ये इस रेट से टैक्स को था और पूरा मिस्टर मोदी को देना पड़ता टैक्स। अब अगर यही ट्रस्ट अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होता तो क्या होता, तो फिर क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेयर डिफाइन नहीं है तो अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं कि एक तो बेसिस इनकम है और एक है नो बेसिस इनकम। इन दोनों ही केसेस में टैक्स लगेगा MMR से, मतलब यहाँ पे क्योंकि शेयर भी डिफाइन नहीं है और चाहे से बिजनेस इनकम हो या ना हो दोनों में केस में जो हमारा टैक्स रिफंड होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, 35.55% की रेट से कैलकुलेशन होगा और वो टैक्स पे करेंगे मिस्टर मोदी 610 पे। हाँ 610 पे, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे बेसिक एग्रीमेंट नहीं मिलती है और कोई भी डायरेक्शन भी नहीं मिलती। और जैसे कोई स्पेशल रेट है जैसे 111-15% के हिसाब से टैक्स रेट है और इसमें वो बेनिफिट मिलेगा कि इनको, या फिर उस वक्त जैसे शॉर्ट मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। हाँ तो वैसे तो मेरा 15% पे टैक्सेबल है, तो लेकिन आप कह रहे हो कि अगर अदर देन बिजनेस है चाहे बिजनेस है तो भी MMR पे जाएगा,
हाँ, क्योंकि उसके समय कोई भी शेयर डिफाइन नहीं होता ना कि भाई तुम 50% इसको देना, 40-60, 60-40 कुछ भी डिफाइन नहीं होता ना. तो ये जो मिस्टर मोदी है ये कुछ भी डिस्क्रिप्शन पे देंगे, तो लॉ में स्पेसिफिकली डिफाइन है 164 में कि वो जब भी डिस्क्रिप्शन इंटरेस्ट की बात आएगी ना तब वो सीधा एमएमआर टैक्सेबल होगा. मतलब और कुछ कोई बेनिफिट नहीं है. हाँ, कुछ भी डिडक्शन डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक का. कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे बिजनेस इनकम मूव फिर भी एमएमआर से टैक्सेबल नहीं होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक ट्रस्ट की. दो एग्जेम्पशन होते हैं यहाँ पे, जब बिजनेस इनकम होने के बावजूद भी हम एमएमआर के लिए ऐसे टैक्स नहीं देंगे. वो दो है, एक तो जब हमने जो ट्रस्ट क्रिएट किया है वो ऐसे पर्सन के लिए किया है जो फुली हम पे डिपेंडेंट है, एक तो वो. और दोनों कंडीशन सेटल होनी चाहिए यहाँ पे, ये बीच में एंड है और नहीं है. तो एक कंडीशन ये हो गई. और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ये जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है ये सिर्फ ऐसे ही एक सिंगल ट्रस्ट, मतलब सिंगल ट्रस्ट है, कोई और ट्रस्ट ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा है. मतलब पहली कंडीशन ये हो गई कि सिर्फ क्या, हाँ, डिपेंडेंट के लिए हो रहा है क्रिएट, जो जो फुली हम पे डिपेंडेंट है. और दूसरा ये हो रहा है कि सिर्फ एक ऐसा ही ट्रस्ट है जो क्रिएट हुआ है. तो अब अगर यहाँ पे ये हो जाए कि मिस्टर प्रकाश चंद ने सिर्फ ये दोनों फुली पे डिपेंडेंट है आने वाले टाइम पे, और सिर्फ एक ये ट्रस्ट क्रिएट किया है और कोई सेकंड ट्रस्ट इसमें क्रिएट हो रहा है, तो फिर ये फुली में ये फुली बिजनेस इनकम, मतलब इस पर जो टैक्स लगेगा वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से नहीं लगेगा. अब सेक्शन 164(1) में, मतलब डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में कब हमें एमएमआर पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसका लॉजिक क्या, मतलब इस वाले में एमएमआर पर नहीं लगा रही. इसका लॉजिक ये हो गया कि जो सेट जो हम जो बेनिफिशियरी की जो बात कर रहे हैं वो फुली इन पे डिपेंडेंट है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फादर ने कोई बिजनेस शुरू किया, अब उसे बिजनेस इनकम हो रही है, लेकिन उसको लगता है कि जो उसके जो उसकी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, फिर वो फुली डिपेंडेंट है इन पे, तो फिर शायद इसलिए हमें वहाँ से टैक्स नहीं दे पाए. और जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की जो बात होती है फिर वहाँ पे वहाँ पे पांच कंडीशंस है. पहली ये कि किसी भी जो बेनिफिशरी है किसी की भी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. जब हम मतलब कब हम कहीं से जो रेट चलती है मार्केट, मतलब हमें वहाँ से टैक्स देने की जरूरत, तो वो पांच कंडीशन सेट होनी चाहिए. फर्स्ट तो ये है कि वो 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए. दूसरा ये है कि जो ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है वो बिल से क्रिएट हो रहा है, क्रिएटेड बाय बिल. और दूसरा ये है कि जो कंडीशन है वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट लाइक अ विल. नॉन टेस्टिमेंट्री का मतलब होता है विल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर विल, मतलब हम डिफाइन राइटिंग में डिफाइन कर रहे हैं ना नॉन, हाँ तो वो हो गया. और तीसरी कंडीशन ये कि जो ट्रस्ट है ना वो 1/3/1970 से पहले क्रिएट हो जाना चाहिए. और फोर्थ कंडीशन ये है कि जो इनकम रिसीव हो रही ट्रस्टी को, when the income इज रिसीव बाय ट्रस्टी इज ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट फंड क्रिएटेड बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉयज. दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ. थैंक यू.